प्रमो जनार्दनम, जब जब हमारे घर का कैलेंडर बदलता है तब तब हमारे जीवन में नई उम्मीदें नई आशाएं संचार करती हैं। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि 2023 विदा ले चुका है और 2024 का शुभारंभ हो चुका है। बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारी उम्मीद हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। हर एक राशि के जातक के मन में ये प्रश्न जरूर जागृत होता है कि इस वर्ष हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो हम लाए हैं आपके लिए श्रृंखला कि कैसा रहेगा 2024 आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों का स्वामी है मंगल और ये वर्ष 2024 जिसका मूलांक बनता है 8 यानी कि शनि। मैं कहना चाहता हूं कि मेष राशि, यदि आपकी मेष राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है, जानकारी आपके लिए है। मेष राशि के जातक यदि अपने इष्ट राशि मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से ये 2024 उनके जीवन में हर एक उम्मीद पर खरा उतरेगा, उनकी सारी की सारी आशाओं को पूर्ण कर सकेगा और जो कुछ आपने अभी तक सोचा भी नहीं है वो सफलता आपके जीवन में जागृत होगी। यदि आप इस वर्ष लगातार रोजाना प्रातःकाल स्नान के पश्चात अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो फल प्राप्त होगा। हालांकि हमने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि प्रत्येक राशि के जातकों को अपनी अपनी राशि का इष्ट मंत्र जरूर जपना चाहिए। आप राशि की अंगूठी पहने ना पहने, आप राशि के अनुसार कोई दूसरा प्रयोग करें, उपाय करें ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी अपनी राशि का इष्ट मंत्र जरूर जपना चाहिए, उसकी साधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जप करता है और अपने राशि के इष्ट देव की आराधना करता है उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति का रूप ले लेती हैं। तो क्या है मेष राशि का इष्ट मंत्र जिसको जपना है 2024 में और खोलने हैं सफलता के द्वार? नोट कर लीजिए मंत्र और कैसे इसकी जाप करनी है। सबसे पहले विधि समझ लें। लाल रंग की माला, आप मूंगा की माला से जाप कर सकते हैं या आप स्वर्ण माला से जाप कर सकते हैं, या लाल रंग यानी कि सफेद जो सूत की माला होती है उसको आप लाल रंग से रंग लीजिए, उससे आप जाप कर सकते हैं, या आप हाथों की माला, हाथों में भी हमारे लाल रक्त बह रहा है तो आप हाथों की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। रोजाना स्नान के पश्चात सूर्योदय की वेला में जब आप इस मंत्र की साधना करेंगे, पूर्व मुखी बैठ करके लाल रंग का आसन हो, लाल रंग के वस्त्र हो और गाय के घी का दीपक जला करके जब आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से यह मंत्र आपके जीवन को रूपांतरित करेगा, आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर देगा। मंत्र आप नोट कर लें और उसका उच्चारण भी विधि पूर्वक श्रवण कर लें। पहले मैं एकाक्षरी बीज मंत्र की साधना बताऊंगा और उसके पश्चात बृहद मंत्र की साधना कराऊंगा बताऊंगा। तो पहला है एकाक्षरी बीज मंत्र जिसे आप जप सकते हैं और प्रातःकाल के पश्चात आप दिन भर भी इस मंत्र का अंदर अंदर स्मरण कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जाप भी कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए आप जाइए, अपने इष्ट मंत्र को ध्यान में लेके जाइए, आपका वह कार्य सिद्ध होगा। मंत्र आप नोट कर लें, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। ये एकाक्षरी बीज मंत्र महाशक्तिशाली है, सर्व कार्य सिद्धि प्रदायक है, सर्वतो भद्र सर्वार सिद्धि कारक ये बीज मंत्र है। और इसके साथ ही साथ जो बड़ा पद मंत्र है उसको भी आप नोट कर लें जिसकी आपको रोजाना जप करनी है 108 बार। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। इस मंत्र की यह मंत्र रमोकार महामंत्र के दूसरे पद से लिया गया मंत्र है। ये बहुत चमत्कारिक है क्योंकि मेष राशि का स्वामी है मंगल और मंगल ग्रह की शुभता के लिए, मंगल ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी के लिए, मंगल ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इस पद मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ओम ह्रीम रमो सिद्धाणम। आपका यह वर्ष शुभ बने, कल्याणकारक बने और आपके जीवन में उन्नति के द्वार उद्घाटित हो, हमारी यही प्रार्थना है, यही कामना है। ओम अरहम।